मतलब मुझे पता है कि बहुत लोग कह रहा है कि ये तो रुस्तम की कहानी है, ये तो रुस्तम है, रुस्तम है, रुस्तम है, लेकिन ये रुस्तम बिल्कुल नहीं है। पूरा मतलब केस के बाद, वर्डिक्ट के बाद क्या हुआ, ये सब हम भी दिखा रहा है। कुछ मिसिंग है मेरे अंदर, शायद शायद कुछ और है जो मैं नहीं समझती हूँ। हमारे साथ हैं बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक ऐसी मेहमान जिनका इंडिया से कोई नाता नहीं है, जो स्वीडन की धरती से आती हैं और बॉलीवुड में जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर एक स्पेशल मुकाम हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूँ एली अवराम की, जिनको आप बिग बॉस में देख चुके हो, मिकी वायरस जैसी फिल्म में देख चुके हो, उसके अलावा किस किस को प्यार करूं में देखा है, और हाल ही में जवरिया जोड़ी में इन्होंने कमाल का डांस किया था और सभी का दिल लूट लिया था आपने। और अब आ रही है इनकी द वर्डिक्ट, स्टेट वर्सेस नानावती, एक स्पेशल वेब सीरीज जिसमें इन्होंने बहुत ही अलग रोल निभाया है। एली, स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ पर। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो वेब सीरीज है आपकी द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावती, इस पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन इस बार आपका जो रोल है स्पेशली सिल्विया का जी, वो काफ़ी अलग दिख रहा है। इट्स लाइक ज़्यादा बोल्ड, एजियर, इस बार कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप खुद क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को? वेल एक्चुअली ये पहली बार है जो आप सिल्विया का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, यू नो, एज अ वाइफ, हाउ शी फेल्ट, what was the reason behind her falling in love again and wanting to leave her husband, you know, kyunki ye jitne sare movies is kahani matlab is case ke upar banaye hue bane hain, sahi hai, ye kabhi dikhaya nahi, you know, to ye pehli baar hai jo लोग सिल्विया को ज़्यादा भी देखेंगे, और सिर्फ सिल्विया भी नहीं, यू नो, प्रेम का कहानी, उसका बहन भी जो है, यू नो, उनकी कहानी, जितने सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, ये सब लोगों की पॉइंट ऑफ व्यूज़, और ये सब है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली रियल लाइफ में जब ये केस चल रहा था सब लोग इन्वॉल्व थे, मतलब जनता भी इन्वॉल्व थे, पूरी कंट्री हिल गई थी, इतना बड़ा ये केस था। जी जी जी, तो ये है जो इतना अच्छा है, क्योंकि हमारा एक शो है, मतलब 10 एपिसोड्स है ना, तो इसके अंदर आप बहुत कुछ दिखा सकते हो, है ना, तो इसलिए इतने सारे डिटेल्स भी है जो हम दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि सच में कोर्ट के अंदर क्या हुआ एक्चुअली, वो भी मतलब वो आपने देखा भी नहीं, ये सब जितने सारे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, ये पहली बार है जो आप देखेंगे कि लॉयर्स ने क्या कहा, सिल्विया ने क्या कहा, क्या हुआ सिल्विया के साथ कोर्ट के अंदर, कावस के साथ क्या हुआ, मतलब सबके साथ क्या हुआ कोर्ट के अंदर, जो जी, हेयरिंग जी, और वो बाकी चीजें चल रही थी प्रोसीडिंग्स जी, और पूरा मतलब केस के बाद, वर्डिक्ट के बाद क्या हुआ, ये सब हम भी दिखा रहे हैं। मतलब मुझे पता है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो रुस्तम की कहानी है, ये तो रुस्तम है, रुस्तम है, रुस्तम है, लेकिन ये रुस्तम बिल्कुल नहीं है। मतलब आप दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, यू नो, बहुत फ़र्क है। और एली, जैसे कि आप खुद बता रही हैं कि हर कोई इसको रुस्तम से, क्योंकि रुस्तम हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई थी, उसके पहले ये रास्ते हैं प्यार के भी आ चुकी, अचानक भी आ चुकी, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में आ जाती हैं और लोगों के जहन में जब रहती हैं, आपके ऊपर कुछ प्रेशर था कि मतलब आप जब आपको कहानी सुनाई गई, और आपको तो पता ही होगा कि फिल्म पहले ही बन चुकी है, अक्षय कुमार, इलियाना ऐसे लोग थे, और फिल्म चल भी गई, अच्छी हिट हुई थी, कोई प्रेशर था कि वेब सीरीज सेम प्रिमाइस पे बन रही है तो नहीं, कैसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भी रुस्तम बहुत अच्छी लगी, मुझे याद है जब मैंने देखा, जब रिलीज हुआ, बट मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं जब मैंने इस प्रोजेक्ट को साइन किया है। मैं सिर्फ बहुत खुश थी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है, कि इतना अच्छे से लिखा है, यू नो, इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, इतने सारे डिटेल्स है, मेरा रोल जो है वो इतना मीटी है, इतना मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और एली, ऐसा क्योंकि आप बिग बॉस से आपकी एंट्री हुई थी धमाकेदार, सबको मतलब पूरे इंडिया को जानने का मौका मिला था कि एली हैं कौन, और तब ऐसा लगा था कि एक खूबसूरत सी लड़की हैं जो ठीक है
बढ़िया दिखती हैं, अच्छा काम करेंगी, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि इतनी टैलेंटेड हैं और उसके पीछे की मेहनत क्या है। जैसे कि आपका बैकग्राउंड है, फादर म्यूजिशियन है, मॉम ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका मतलब ऑस्कर विनिंग फिल्म में वो पार्ट रही हैं जी। और आप बचपन से हिंदी फिल्मों का जो आपका लगाव है, देवदास, K3G सब आप देखती थी और उन पर डांस करती थी, कुछ उस चीज़ के बारे में बताएंगे कैसा वो पीछे का जो आपका ये जो प्रिपरेशन है यहाँ मुंबई आने का, उसके पीछे क्या? बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत और बहुत लंबा जर्नी भी है जो स्वीडन से शुरू हुआ है, यू नो। एंड इट्स लाइक जैसे आपने कहा, यू नो, मैं ये समझ के कि यू नो यहाँ पे बहुत जल्दी एक परसेप्शन होता है, बहुत जल्दी लोग आपको जज करते हैं, आपके काम मतलब बिना देखे परसेप्शन एक बना लेते जी, हैं जी 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 कि अच्छा हाँ वो फॉरेनर है, शायद हिंदी नहीं आती है, शायद एक्टिंग भी नहीं आती है, शायद मतलब इतने सारे ये चीज़ है जो लोग सोचते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ऑलरेडी चेंज हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे मतलब फॉरेनर्स है जो अच्छा काम मिल रहा है हमारे इंडस्ट्री में, यू नो, मौका मिल रहा है प्रूव करने के लिए कि हम एक्चुअली बहुत सीरियस है और हम यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमको एक्चुअली एक नाम बनाना है, यू नो, अपने मुकाम हासिल करना है जी, अपने काम के दम जी पे। मतलब काम करना है बॉलीवुड के अंदर। सो या और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अभी मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वर्क आई हैव गॉट, यू नो, क्योंकि जितने सारे चीज़ मैंने आज तक किया है वो मन से किया मैंने कि मतलब जी मुझे करना है ये प्रोजेक्ट। ऐसा मतलब मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो मैंने फोर्सफुली किया है क्योंकि बस करना है, ज़रूरत है या कुछ ऐसा, नहीं। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी है जो मैंने मना किया है क्योंकि वो दिल से आया नहीं कि मुझे करना है ये। पर ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो मैं भी ऐसे मतलब विश किया है कि मुझे मिला, खास अगर मुझे मिला वो रोल, यू नो। बट या आई थिंक धीरे धीरे बस आपको मेहनत करना है, आपको यू नो गिव अप नहीं करना है, या एंड जस्ट हैव फेथ कि आएगा। जैसे अभी मुझे ये रोल मिला है, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि यू नो कि एकता ने, सुभाष कपूर, शशांक शाह, समर कि सब लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है कि यू नो कि ये लड़की शायद कर पाएंगे, यू नो, एक मौका देते हैं। नहीं, आपने किया है और वो ट्रेलर में चीजें दिख रही हैं, मतलब आप कमाल लग रही हैं। या और वो जो शेड्स हैं जो आपके कैरेक्टर में वो निकल के आ रहे हैं। इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी आपने अली? वो बिग बॉस के बाद एक्चुअली, मतलब बिग बॉस के अंदर मैंने बहुत कोशिश किया है, यू नो। और बिग बॉस के वक्त सलमान जो आपसे हिंदी बुलवाने की कोशिश करते थे, वो कमाल की कैमरेडरी आप लोग के बीच में निकल के आती थी। या वो बहुत क्यूट था, यस, या बट मतलब बिग बॉस के बाद जैसे यू नो लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ड्राइवर था, उनके साथ मैं हर बार रोज हिंदी में बात कर रही थी। जब मैं डांस रिहर्सल्स के लिए जा रही थी तो असिस्टेंट लोगों के साथ हम भी हिंदी में बात कर रहे थे। मतलब जितने लोगों के साथ मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ ना, मैं कर रही हूँ। मतलब जितना गलती भी कर रही हूँ मैं, वो कभी-कभी जो है हेजिटेशन है वो जा रही है धीरे-धीरे जी। और बस ऐसे सीख लिया मैंने, जैसे मेरा श्वेता मैडम भी है यहाँ पे, वो मेरे स्पॉट गर्ल है। हम तो रोज बात करते हैं, हम सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। तो यू नो ऐसे ही मेरा ये क्या बोलते हैं तलफ्फुज सुधरता जा रहा है जी, सुधरता जा रहा है। और सलमान और बिग बॉस का मतलब काफी रोल रहा है आपकी हिंदी को सुधारने में, वो मैं देखता था, बड़ा क्यूट लगता था वो चीज। अच्छा, उस टाइम पे तो ज्यादा हिंदी नहीं है वो बोलते थे ना, कुछ बोलिए अली हिंदी में बोलिए, और आप अपने स्टाइल में कुछ बोलती थी उस समय। हाँ, मुझे याद है कि मैंने बहुत ऐसे अलग शब्द बनाया हिंदी में, टुकड़े टुकड़े में, बहुत क्यूटनेस के साथ आप बोलती थी ना, लोगों को बहुत पसंद। जैसे मुझे याद है एक बार सलमान ने कहा कि
एली कड़ो का मतलब क्या है? मैंने बोला कड़ो, कड़ो मतलब स्टैंड अप. बोला अच्छा, नया हिंदी शब्द बना रहे हो आप. क्योंकि मुझे सच में लगा कि एक ऐसा शब्द है, लेकिन उसके बाद सब लोगों ने समझाया कि नहीं, कोई ऐसा शब्द है नहीं. और एली मतलब जैसा कि हमने बात भी की थी कि फॉरेन से जो लड़कियां आती हैं खूबसूरत होती हैं, लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि ये लोग दिखने में अच्छी हैं, उनको एक टाइप कास्ट कर देते हैं. लेकिन अंदर से कुछ है नहीं. हाँ, एक नहीं नहीं वो पर ऐसा नहीं है. उनका एक फिक्स रोल में डाल देते हैं कि एंग्लो इंडियन वाले रोल होंगे या कि फॉरेनर वाले रोल होंगे. लेकिन आप विदाउट एनी गॉड फादर अपने दम पे काफ़ी चीज़ें कर रही हैं, अलग अलग रोल निभा रही हैं, इवन आइटम डांस कर रही हैं, बहुत अच्छे से निभा रही हैं उन चीज़ों को. कैसे कर लेती हैं ये सब चीज़ें? सक्सेस मंत्र क्या है? मेहनत करना है, बहुत बहुत मेहनत करना है, रोज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं बिलीव करना है. मतलब अपने आप के ऊपर बिलीव करना है कि नहीं, मेरे अंदर है और मुझे पता है कि मेरे अंदर है और एक दिन मैं करके दिखाऊंगी. और करके दिखा रही हैं आप. जी जी जी, करेक्ट. यू नो, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पेशेंस. आई मीन बहुत दिन बहुत ऐसे वाले दिन भी मिला मुझे जो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ बस छोड़ूंगी अभी, मतलब बस. वैसे भी दिन आए स्ट्रगल वाले. जी जी जी, ओ बहुत ऐसे दिन आए जब यू नो कुछ ऐसा अच्छा पिक्चर मिला मुझे और अचानक से निकल गई वो चीजें. हाँ, जी निकल गई और मुझे नहीं मिला. और यू नो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ जो आप थोड़ा सा ऐसा मायूस हो जाते हैं, मतलब दुखी हो कि यू नो कि शायद कुछ मिसिंग है मेरे अंदर, शायद कुछ और है जो मैं नहीं समझती हूँ, यू नो. लेकिन आई हैव ऑलवेज मैनेज टू कम बैक बिकॉज आई हैव ऑलवेज कम बैक टू बिलीविंग इन माई सेल्फ कि नहीं, मुझे पता है कि मेरे अंदर है, टैलेंट है, हार्ड वर्क है और मैं क्या बोलते हैं, आई एम बींग ट्रू टू माई सेल्फ, आई एम बींग ट्रू टू माई वर्क एंड सूनर लेटर इट विल पे ऑफ. लाइक लिटरली आज मैं यहीं पर बैठ रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है अपने एक्टिंग के ऊपर, अपने डांस के ऊपर, अपनी हिंदी के ऊपर, अपनी इंग्लिश के ऊपर भी. क्योंकि किसी को जानते नहीं है कि मेरा इंग्लिश इतना ख़राब था जब मैं इंडिया में आई थी, क्योंकि स्वीडन में हम इंग्लिश में बात नहीं करते. स्वीडिश लैंग्वेज. हाँ, स्वीडिश में बात करते हैं. हाँ, मेरा इंग्लिश इतना बुरा था, बाप रे, जब मैं आई थी यहीं पे ना, तो कभी कभी इंग्लिश में भी कुछ ऐसे शब्द भी बोलती हूँ जो होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो होता है. नहीं, लेकिन जो सुन रहे होंगे वो बिलीव कर लेते हैं, एली बोल रही है तो हो गई. एली, एक और चीज़ है कि मुंबई जैसे शहर में ना बहुत टफ है सर्वाइव करना. और कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो आपका, मतलब आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे जो अलग अलग तरीके के ऑफर रखते होंगे, अलग अलग तरीके से आपके सामने कुछ चीज़ों के बारे में बात करते होंगे. कभी आपके साथ ऐसा हुआ? बहुत बार मुझे ऐसी मतलब बाद में समझ में आया कि कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं आपको मैनिपुलेट करना, यू नो, करप्ट योर माइंड एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई हैव बीन वेरी नेइव इन माय इनिशियल डेज इन दिस कंट्री, बट आई थिंक आई हैव लिटरली हैव हैड एंजल्स इन माय लाइफ जो मुझे प्रोटेक्ट किया है. But yeah, like you said, it's very tough. It also gets very, you know, lonely to live in this city. मतलब मेरी family यहीं पर नहीं है, तो मतलब रोज़ आप जब आप काम कर रहे हो या इतना ये सब मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आप घर जाते हो और बस खाली है, you know, कोई है नहीं. It's been quite tough. But and the best time has been actually jab meri mom bahut bar aayi thi sometimes, you know, to take care of me and all that. Has been like the best time in Mumbai. But then of course wo mere sath to reh nahi sakte roz, you know, unka bhi kaam hai bahut Sweden mein. But yeah, ye sabse bada struggle hai, I think. Agar at least मेरा फैमिली यहाँ पे होता है तो
मतलब शायद ये सब स्ट्रगल जो रोज मिलता है वो शायद इतना हार्ड नहीं होता यू नो. अली, एट लास्ट अपने जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, आपकी फिल्मों को देखते हैं, आपके शोज को देखते हैं अब तक, क्या कहना चाहेंगे इस वेब सीरीज के बारे में, और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? ये इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावटी इज रिलीजिंग ऑन 30th September ऑन ऑल्ट बालाजी एंड ऑन Z5. So do subscribe and do watch the show if you really really love me. They obviously love you. और इतना अच्छा लगा आपसे बात करके अली, इसी तरीके से एंटरटेन करते हैं ये लोगों को, और इतनी अच्छी आपकी हिंदी है, और खासकर आप न सिर्फ खूबसूरत हैं, टैलेंटेड भी हैं, ये लोगों को आपका आपके बारे में पता चल चुका है. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच.